इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से, जहां सुबह के वक्त एक आदमी पहाड़ी किनारे खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा होता है और उस आदमी का नाम होता है मैकवेली। अब टॉयलेट करने के बाद मैकवेली अपनी गाड़ी की ओर जाता है और गाड़ी में सो रहे अपने साथी जिसका नाम अर्ल बेसेट होता है उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वेल की काफी आवाजें लगाने के बाद भी बेसेट नहीं उठता। तब वहां पर चारा चर रही गायों को देखकर वेल के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वेल गाड़ी पर खड़ा होकर गाड़ी को हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि भगदड़ आ रही है। तस्वीरें क्लिक कर रही होती है। यहां रोंडा वेल को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है कि वो जा रही है, फिर कभी मिलेंगे। यह सारा नजारा देखकर अर्ल इशारों इशारों में वेल से रोंडा को प्रपोज करने के लिए कहता है, जिसके बाद वेल रोंडा को आवाज देकर रोक लेता है, लेकिन वो उसे प्रपोज करने में हिचकिचाता है, पर आखिर में वो उसे बाहों में भरकर किस करने लगता है और इस फिल्म की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।